तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं अग्निमुख पाउडर के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, इसके फायदे क्या हैं, क्या नुकसान है, क्या डोज है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अग्निमुख चूर्ण, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसमें हींग, वज, पिपली, सौंठ, यवनी, हरिताकी, चित्रक, कुठ जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बना हुआ यह चूर्ण है। बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इसे खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, गैस, अपच, एसिडिटी, वॉमिटिंग, जीभ मिचलाना, खट्टी डकार, पेट फूलना, पेट में भारीपन, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, भूख ना लगता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये इन सभी शिकायतों को दूर करता है। इसके अलावा हिचकी की प्रॉब्लम आती है तो उनको दूर करता है, कोलिक पेन को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा किसी भी तरह का संक्रमित रोग, बहुत जल्दी जल्दी संक्रमण हो जाना, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर जैसी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं, तो यह उन सभी पर्पज़ों को दूर करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, खून की कमी को प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है। तो यह ओवरऑल इन सभी पर्पज़ों में इसे खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या नुकसान होता है, तो इसका किसी भी तरह कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता। अगर आपको सूट नहीं करता है तो नॉर्मल स्टेज पर आपको वॉमिटिंग हो सकता है। डोज क्या है, तो डोज आपकी डिपेंड करती है कि आप इसे किस पर्पज़ में लेते हैं और आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी डोज कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली आप इसे दिन में एक से दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। किसे नहीं लेना है, अगर आपको किसी तरह का मेडिसिन कोर्स चल रहा है तो उस पर्पज़ में आप इसे इस्तेमाल ना करें। तो यही था अग्निमुख पाउडर के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको